राम की दीवानगी ऐसी है कि पूरे देश में एक लहर चल रहा है। आज रामगढ़ की धरती उड़ीसा राज्य से लगभग 28-30 दिनों की यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं दो शख्स हैं, और हम ये जानना चाहेंगे या दोनों शख्स ये आज काम भी कर रहे हैं, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन राम भक्ति में लीन है। हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम। मेरा नाम कुरेश बेहरा है। मैं उड़ीसा गंजाम जिला ब्रह्मपुर टाउन चांदपुर गांव से आया हूँ। अभी 26 तारीख, हम 30 दिसंबर को हमारे वहाँ से निकले थे। अभी 26 जनवरी तक 28 दिन में हम 800 किलोमीटर के ऊपर चल चुके हैं। बाकी 550 के आसपास कुछ है, तो फरवरी 15 तक हम पहुंचने का हमारा अनुमान है। आप लोग क्या करते थे? जी मैं और हमारे गांव में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था। तो जब देखा टीवी में और हर तरफ प्रचार हुआ कि 22 जनवरी को हमारे श्री रामलला का श्री भव्य मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है, तो सोचा कि हम पैदल चल के हमें राम जी को दर्शन करने जाएंगे। तो तब से 30 दिसंबर को हम वहां से निकले थे हमारे गांव से। मतलब आप लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, पैसे भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अचानक राम भक्ति कैसे जग गई? देखिए, पहला हमारा धर्म है, फिर कर्म है। तो अभी नया पीढ़ी जो पाश्चात्य धर्म के लिए आग्रह हो रहे, हमारे सनातन धर्म का बहुत पुराना धर्म, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और सबसे पवित्र धर्म है सनातन धर्म। तो इसको छोड़कर हमारा पाश्चात्य धर्म का पालन कर रहे, तो मैं नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म को पहले अपनाएं, बाद में कोई पाश्चात्य धर्म को अपनाएं। तो अगले पीढ़ी को इंस्पिरेशन देने के लिए मैं ये पदक्षेप ले रहा हूँ। आज के बड़े बड़े राजनेता देखते हैं सनातन पर गालियाँ देते हैं, वैसी हालत में उन्हें क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, कुछ चंद वोटों के लिए तो बड़े बड़े नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, तो ये जो ठीक बात नहीं है। दूसरे भक्त हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम हुआ? जय श्री राम, मैं सोनू बिसोई। मेरा घर क्या बोले, फिर से बताएंगे? जय श्री राम, मैं सोनू बिसोई। मेरा घर उड़ीसा ब्रह्मपुर कंसियाट है। आपका उड़ीसा और आंध्रा के बीच कितनी दूरी है? 17-18 किलोमीटर है दूर। अरे कहने मतलब आप एक तरह से आंध्रा के बॉर्डर से आप चले हो। जी जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? कैसा नहीं, हम तो राम भक्ति में लीन है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। 800 के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, दिक्कत भी नहीं है। और आप लोगों को पैदल चलने में रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं? नहीं, सब भाई लोग मिल रहे हैं, हमारे हिंदू भाई सब मिल रहे हैं, और हम जो काम के लिए जा रहे हैं उधर कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। सब पसार और पचार के लिए निकले हैं और सब हेल्पिंग भी कर रहे हैं रास्ते में। बस हिंदू भाई कहा जाता है सोए हैं, क्या कहेंगे, जग गए हिंदू भाई लोग? नहीं, अभी तक तो जगह नहीं है, अभी तो और हिंदू राष्ट्र बाकी है, हम कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए उनको। जगाने के लिए तो ये थे, ये दोनों भक्त हैं और दोनों अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, आधुनिक जमाने के अनुसार ये अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन अचानक राम के भक्ति में लीन हो गए। हम यहाँ का स्थानीय लोग भी हैं, मुखिया जी भी हैं, जो जानकारी लेंगे। सर, आपका परिचय बताएंगे? मैं कुजू पश्चिमी पंचायत का मुखिया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जय कुमार ओझा उर्फ बुच बाबा। जय कुमार जी, आप क्या कहेंगे, ऐसी हालात है, देखिए कितना जुनून है। पत्रकार महोदय, इन लोगों को देख करके मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, इसलिए खड़ा हो गया कि ये लोग आज 800 किलोमीटर चल करके कुजू पहुँचे हैं उड़ीसा से, और ये अयोध्या जा रहे हैं, और इनका कहना है कि हम लोग कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये राम भक्ति नहीं है तो और क्या है, भगवान नहीं है तो क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जुनून आज हमारे देश में एक लहर सी फैल गई है ना? ये जुनून सारे लोगों ने 22 तारीख को देख लिया, और हमारे एक राम भक्त ने बोला कि अभी हिंदू सोए हुए हैं, अभी तक हिंदू राष्ट्र होना बाकी है। तो ये थे हमारे रामगढ़ कुजू क्षेत्र के मुखिया जी भी थे और स्थानीय लोग भी हैं, और इनका यहाँ स्वागत भी किया जा रहा है, और एक ये मैसेज दे रहे हैं कि राम की भक्ति में लोग लीन हैं और
हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के आगे चल रहे हैं।